गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। टुडे वी विल स्टार्ट विथ द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द पाथ्स ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट विल एंटर विथ वेलोसिटी वी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन वी स्टार्टेड विथ द डिफरेंट magnetic fields which are associated with the conductor. So let me take the overview of that and then we'll start with the point. तो अगर straight carrying conductor है, current ऐसा है, तो मैंने बोला था आपको आपको right hand rule use करना है। अगर conductor में कैसे current जा रहा है, तो नीचे वाला बाजू में वो it is going in magnetic field and ऊपर से अगर देखा तो coming out हो जाएगा। तो यहाँ पे going in हो जाएगा, यहाँ पे आपका कमिंग आउट हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था चार केसेस, वो आपने लिखा हुआ होगा, वो चार केसेस आप ध्यान में रखो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो आज हम सीखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट VVIMP, एक लॉ सीखेंगे, उसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। Biot-Savart's law. In this law, we will calculate magnitude and direction of magnetic field associated with a conductor. So in the Biot-Savart's law, what we'll learn? We will learn the magnitude and direction of magnetic field associated with a conductor. तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। Okay. First we will take infinitely long conductor. आप एक इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर ले लो बेटा। तो कंडक्टर कैसे है? कंडक्टर में करंट जा रहा है आई। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई हैव टेकन द शेप ऑफ द कंडक्टर एनी हाउ, मतलब नॉट नेसेसरीली द स्ट्रेट कंडक्टर। आफ्टरवर्ड्स यू मे अप्लाई द सेम डेरिवेशन फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, नो इश्यूज। बट राइट नाउ वी विल टेक एनी कंडक्टर। So now we have to calculate the magnetic field due to this conductor. We have to calculate the magnetic field due to this conductor. So what I will do, I will consider one small length element. Suppose L is the length of the conductor. Kya hai? L ye length of conductor. Aur I kya hai? I current passing through the conductor. तो कंडक्टर का लेंथ कितना दिया है मैंने? एल लिया है, आई है, आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर एट एनी पॉइंट पी। P is the point at which we have to find the magnetic field. एक एक को स्टेप वाइज देखते जाओ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इट इज मच टाइम कंज्यूमिंग, सो ठीक ठीक से एक एक पैच में वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बनाते जो आपके लिए। सो P क्या है अपना? पॉइंट एट विच वी वॉन्ट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। पी अपना पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा? यू हैव टू कनेक्ट। ये एकदम छोटा वाला एलिमेंट लिया है, उसके लिए मैंने क्या किया, पूरा कंडक्टर का नहीं लिया मैंने, क्योंकि इट इज प्रायर डिफिकल्ट, प्रायर अटमोस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फॉर डायरेक्टली फॉर टोटल कंडक्टर। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं।
कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का मेथड। तो एल की जगह, ठीक से देखा बेटा, एल की जगह मैंने क्या लिया, एक छोटा एलिमेंट डीएल लिया। तो अभी मैंने क्या लिया, बाद में डीएल, डीएल को क्या मैंने पकड़ा, लेंथ एलिमेंट। और भी एक इसके पीछे मेरा नजरिया है, क्योंकि आप तो करंट को वेक्टर नहीं लेते। हाँ बेटा, करंट को डायरेक्शन होता है लेकिन उसको हम वेक्टर नहीं लेते, बराबर, वो स्केलर ही आता है लेकिन उसको डायरेक्शन होता है, शायद नीचे से ऊपर, नहीं तो ऊपर से नीचे। तो अभी अपने को इस केस में डायरेक्शन में निकालना है, तो डायरेक्शन निकालते समय हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट जो है, वॉट एवर इज दिस एलिमेंट, ये क्या है, ये अपना करंट की डायरेक्शन में है, ऐसा इसको पकड़ ले। तो ये जो एलिमेंट का डायरेक्शन है, तो ये ऐसे लिया, एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे लिया डीएल का, तो ये मेरा वेक्टर डीएल बन गया, बराबर। तो इसके ऊपर इधर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा बन गया एलिमेंट डीएल। और एक चीज है, यहां से इसको अगर मैंने कनेक्ट किया तो पॉइंट बी कितने दूरी पे है, उसको बोलेंगे हम आर, वेक्टर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी। तो क्या क्या लिख लिया हमने, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर। सो आई हैव टेकन वन कंडक्टर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, यहाँ पे मैं डॉट 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 लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी अपने के लिए उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको अभी इनफाइनाइटली नहीं लिया है, अभी मैंने लिया है कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। I is the current passing through the conductor and P is the point at which you have to calculate the magnitude and direction of magnetic field due to this conductor. Okay, तो मैंने क्या पकड़ा, इसका length total L है, तो यहाँ पे calculate करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, वो अपने लिए that will not be feasible. तो मैंने क्या किया, conductor का एक element लिया, उसको बोला मैं length element. लेंथ एलिमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन मैंने कैसे पकड़ा, उसका डायरेक्शन मैंने पकड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट है उसकी डायरेक्शन में उसका मैंने लेंथ पकड़ा, उसका मैंने डायरेक्शन पकड़ा। डिस्टेंस कितना है उस एलिमेंट का, पी से, पी से उस एलिमेंट का डिस्टेंस है आर। ओके, और एक एंगल लेते हैं, बोले तो थीटा। सो theta is the angle made by R with dl. तो ये requirement है अपना derivation के लिए, derivation for the Biot-Savart's law. तो पहले फिर से बता देता हूँ मैं, Biot-Savart's law, using Biot-Savart's law, we have to calculate the direction of and magnitude of the magnetic field due to a given conductor of length L carrying current I. For that purpose, I have taken one point P at which we have to find that magnetic field. P is at a distance R from the conductor, but where I have selected one element of length dl, and R is the distance of bl from P. So R ने कितना angle किया है? R ने angle theta किया। तो अभी statement of the Biot-Savart's law कैसे आता है? तो ये छोटा element है, इसलिए उसने जो magnetic field यहाँ पे किया है, magnetic field यहाँ पे किया है, तो आपको मालूम है, एक चीज आपको मालूम है, direction मालूम है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर करंट में, कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल, यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, अगर यहाँ मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट आएगा, यहाँ से तो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं डी बी लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट पे जो डी बी आएगा उसका डिरेक्शन मैं पहले से ही डिसाइड करके रखता हूँ, वो डिरेक्शन आएगा आपका गोइंग इन। So, Biot-Savart's law tells us that, Biot-Savart's law tells us that, according to Biot-Savart's law, the magnetic field due to
conductor is magnetic field, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे DB. Magnetic field due to a conductor is number one, directly proportional to, ये सब रिलेशन होगा आपका. ठीक से ध्यान करो, इसको ध्यान रखो ठीक से. मैं एकदम स्लोली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कीप इन माइंड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर वन करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, okay, length of the conductor and sine of angle between the element. हाँ, length of the conductor मतलब length of the element of conductor भी बोल सकते हो, जो हमने element पकड़ा है वो. angle between the element and पॉइंट में लिखते डिस्टेंस. तो ये अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो ये आपको दिखने के लिए मैंने एक बताया है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इलेमेंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये इलेमेंट जितना लेंथ बढ़ जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इलेमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट. ये थोड़ा सा क्रिटिकल, तो पहले हम उसको फॉर्मेट में लिख के लेते हैं. फॉर्मेट में लिख के लेने के बाद आपको वो रिसेट हो जाएगा, रिसेट करने का जरूरत नहीं है. हालांकि आपने अगर वो देखा तो आपको पता चलेगा क्या हम चालू कर सकते हैं. और भी है सेकेंड वन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इलेमेंट एंड द पॉइंट एट विच वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. समझ गए, ठीक से अभी बता देता हूँ. अभी राइट साइड को मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स दिखाने जा रहा हूँ. तो फिर से चालू करता हूँ. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, तो ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड. तो इसको ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली आपने डीबी लिखा तो भी समझ सकते हैं वो मैग्नीट्यूड है. DB is proportional to I. दूसरा क्या बताया मैंने, DB is proportional to DL. तीसरा बताया DB is proportional to sin theta. और चौथा क्या बताया मैंने, DB is proportional to 1/r². अभी ये अगर तीन चीज आपने ध्यान में रख दिया, देन आई थिंक फॉर यू पीपल दैट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. तो कैसे ध्यान में रखने का, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट द करंट कैरिंग टू द कंडक्टर, सेकंड द लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड इलेमेंट, थर्ड वन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इलेमेंट एंड द पॉइंट एट विच we want to calculate the magnetic field. Let me repeat, the magnitude of magnetic field due to a conductor of length L carrying current I is proportional to number one, the current passing through the conductor, number two, the selected element length, number three, sine of the angle between the element and the point at which we want to calculate the magnetic field. And
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट. सो दिस ऑल वॉज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द बायोट-सेवर्ट्स लॉ. सो आई विल रब द बोर्ड एंड बिकॉज देयर द स्पेस ओके आई विल रब द बोर्ड एंड यू अगेन गो टू कैलकुलेट दैट फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. और डिरेक्शन कैसे आएगा? जो डिरेक्शन हमने राइट हैंड रूल से लिखा था द सेम डिरेक्शन विल बी अप्लाइड. तो स्टेटमेंट जरा आपने पढ़ के लिया है, तो मैंने हालांकि दो तीन बार अभी इस वीडियो में ही बताया आपको स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आप एक बार आपके पास लिख दो. तो क्या मैं इसको कंबाइनली लिख सकता हूँ? यस. मेरा डी बी कैसा है? प्रोपोर्शनल टू आई है. डी बी कैसा है? प्रोपोर्शनल टू डी एल है. डी बी कैसा है? प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन है और डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर. तो इसको मैंने कंबाइन लिख दिया तो क्या बन जाएगा? ओके, कंबाइनली लिखते समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये जो डी एल है, डी एल आई का तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप ले नहीं सकते क्योंकि I is a scalar quantity. तो I का जो जो चीजें है आपको करना है, that I का जो चीज आपको कुछ करना है उसके ऊपर ऑपरेशन, वो आपको DL से करना पड़ेगा और DL के साथ साथ और एक वेक्टर उधर आएगा, उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R. सो R कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R एंड DL इज द वेक्टर एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड R कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर. यहां पे लिख देता हूं मैं, आर कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर. तो पढ़ा लेते हैं अभी. आपका डीबी कैसे बन गया? डीबी विल बी, अभी यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप आया आपका, ये जो स्टेप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बच्चे गलती करती है, कौन आर स्क्वायर लिखता है, कौन आर कैप लिखता है. मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ वही के वही आपके नोटबुक में डायरेक्टली छापना है आपको. जस्ट प्रिंट इट ऑन योर नोटबुक. बुक में क्या दिया, इधर क्या दिया, उधर क्या दिया, कुछ सवाल मत करो, मैं बताऊंगा कब क्या लिखना है. जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ वैसे आपके नोटबुक में पढ़ना चाहिए. आई विल आस्क फॉर द नोटबुक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? एकदम स्लोली पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी. कभी समझ में नहीं आया तो डाउट सेशन है, फिर से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, खाली डाउट सेशन में एक बताता हूँ, ये सर एक फिर से एक्सप्लेन करो ऐसा मत बोलो. आपको जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ना उसमें जो डाउट है वो पूछते जाओ, ऐसा कुछ नहीं. मैं बताऊंगा, ऐसा ये नहीं है, बट ट्राई टू आस्क दोज डाउट्स. अगर आपको ऐसे डाउट पर्सनली है तो यू मे आस्क मी पर्सनली, नो प्रॉब्लम. ओके, वी विल गो फर्दर. सो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू, लिखने का कैसे है देखो. आई तो मेरा स्केलर है, हो गया. बाकी डी एल इंटू आर कैप इंटू साइन थीटा, ऐसे आएगा अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, और डी एल आर साइन थीटा का मतलब ही क्या बन जाएगा आपका? डी एल क्रॉस आर कैप. अगर मैंने डीएल क्रॉस आर कैप लिखा, ए क्रॉस बी, मालूम है आपको ए क्रॉस ई बी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये आपने पढ़ लिया है. वैसे वो साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, तो अगर वो साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? इसीलिए मैं जो अभी लिखने जा रहा हूं तो एकदम सिंपल में आपको लिखना पड़ेगा. अभी ये फाइनल लिख रहा हूं, db is proportional to i vector dl cross r cap upon r square. बेटा अगर इधर आप r cap नहीं लेते हो, अगर आप r vector लेते हो तो ये r square नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका r cube. क्यों? यहाँ पे तो मैं यूनिट वेक्टर लिया है तो r का चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर ना लेते हुए मैंने अगर r vector लिया तो यूनिट वेक्टर इज गिवन वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा, इसमें एक आर नीचे आ जाएगा, वो आर स्क्वायर की बजाय ये आर क्यूब हो जाएगा. ये हर एक स्टूडेंट का मेरे को डाउट होगा, ये आर सर मेरे बुक में आर क्यूब लिखा है. अगर आर क्यूब लिखा है तो पहले उधर देख लो, उधर देख लो आपके बुक में उन्होंने दिया होगा आर वेक्टर,
wait wait for a while for a while wait let me have a water. Sorry for the disturbance. तो अगर आपको दिया है उन्होंने r वेक्टर, तो नीचे क्या लिखना है? r क्यूब, r कैप लिया है तो कितना लिखना है? r स्क्वायर. इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप तो इसको ऐसे ही इसी टर्म में लिखो जैसे मैंने दिया है. हो गया बेटा, सबका हो गया? लिख के लो अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उसको उतार दो. ये हो गया, ये प्रोपोर्शनलिटी हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ऑफ लेंथ l कैरिंग करंट i इज directly proportional to the current through the conductor, directly proportional to the length of the element of the conductor, directly proportional to the sine of the angle between the conductor, matlab element and the point, and inversely proportional to the square of the distance. Kyunki law mein to inversely proportional bolte, to idhar dikhne ke liye inversely proportional dikhna chahiye. Kabhi kabhi book mein yo r vector diya hoga, to yahan pe aapko r cube likhna hoga. Ye kyun hota hai? Kyunki ye mera r hai और ये मेरा आर कैप है. आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड, और उसको आर कैप से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर आर मिलेगा. तो यहाँ पे अगर मैंने वेक्टर आर डाल दिया तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? मेरा वेक्टर आर, इसका मतलब है आर कैप बाहर निकलेगा, ये आर जाएगा, बराबर है ना? तो ये आर इधर नीचे, आर कम हो जाएगा. तो वो करने के लिए, इस आर को कॉम्पेंसेट करने के लिए, नहीं तो आर कैप की जगह आपने लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा आर अपॉन आर. आर कैप की जगह आपको रिप्लेस करना ही है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर आर अपॉन आर. तो ये आर, ये मैग्नीट्यूड है, ये आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ये नीचे बन जाएगा आर क्यूब. समझ में आया? लेकिन लॉ स्टेट करते समय इसने क्या बताया? रिलेशनशिप इज इनवर्स स्क्वायर. रिलेशनशिप अपना इनवर्स स्क्वायर है. इसके लिए आप ये इस झमेले में मत पड़ो. आप डायरेक्टली ये जो मैंने आपको दिया है आर कैप लिया, तो आपको लेना है आर स्क्वायर. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू बी. इसीलिए अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के मेरे को अगर उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को बोलते हैं मी नॉट अपॉन 4 पाई. ये एक आपका कांस्टेंट है, जैसे हम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते थे, वैसे ही यहां पे हम ले लेंगे मी नॉट अपॉन 4 पाई. एक सिंपल कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू kb, a इज प्रोपोर्शनल टू b, देन a विल बी इक्वल टू kb. ये आपका मी नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका कांस्टेंट बन गया. आगे क्या करेंगे? आगे आपका जो है वो लिखने का, उसको I into dl cross r cap upon r square. तो ये बन गया equation for the magnetic field due to not conductor. अभी conductor का नहीं किया, due to element. तो इसका थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा देख लो, क्या क्या आपको note down करना है वो कर लो, ऐसा कुछ problem नहीं है. तो let me repeat, अभी कितने time कर रहा हूँ मालूम नहीं. The magnitude and magnitude of magnetic field associated with the conductor is always directly proportional to the current passing through the conductor. It is directly proportional to the length of the conductor element. It is directly proportional to the sine of the angle between the element and the point at which we want to calculate the magnetic field. And it is inversely proportional to the distance between the element and the point at which we want to calculate the magnetic field. Ho gaya? Any problem? If it is any problem, you may ask. Can I go further? Okay. तो ये बन गया proportionality sign निकाल लिया, तो ये constant है. Where mu naught upon 4 pi is a constant of proportionality. तो actually mu naught का value कितना आता है? Mu naught का value आता है 4 pi into 10 raised to minus 7. Okay. टेस्ला मीटर स्क्वायर में, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा आता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा उसका यूनिट आता है, वो बाद में आएगा. तो अभी मी नॉट का वैल्यू अगर मैंने 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 7 डाला, तो मुझे मी नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना मिलेगा? मी नॉट अपॉन 4 पाई विल बी 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 पाई. तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो मतलब
अगर आपको मी नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू लिखना है तो मी नॉट अपॉन 4 पाई ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, मी नॉट अपॉन 4 पाई विल बी अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. मी नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना मिलेगा आपका 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इतना मिल जाएगा. तो ये बन गया आपका पायोट-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट का फॉर्मूला. ये भी पूरा नहीं हुआ बेटा. क्यों नहीं पूरा हुआ? ये जो मैंने निकाला है, ये मैंने निकाला है, ये क्या निकाला है मैंने, देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किससे, ड्यू टू इलेमेंट किया है मैंने बेटा, इलेमेंट डीएल है ना. अभी तो पूरा कंडक्टर के, बिकॉज ऑफ द कंडक्टर हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, वो अपन को कैलकुलेट करना बाकी है. वो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो हम क्या वो कैलकुलेट करने जाएंगे? ऑफ कोर्स, जी हाँ, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दैट. सो अभी ये मैं इसको हटा देता हूँ. किसको हटा दूँ? सबको हटा देता हूँ, खाली आपका ये जो है इसको इधर लिख देता हूँ और हम आगे जाएंगे. सो नंबर वन मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेमेंट डीएल कितना आया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेमेंट डीएल मैंने बताया डीबी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड याद में रखा, मतलब लिखने के लिए दिक्कत नहीं पड़ेगा. आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. अगर ये मेरा है, देयरफॉर नंबर टू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी. इसको इंटीग्रेट करने का, जहां पे डी डी का मतलब आया उसको इंटीग्रेट किया तो आपको पूरा मिलेगा. डी बी को इंटीग्रेशन क्या करें, डी बी को इंटीग्रेट करोगे बी मिले, तो बी कैसे लिखेंगे? तो ये अभी हो गया मैग्नेटिक फील्ड टोटल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. अभी हम डीएल नहीं लेंगे, एल लेंगे, तो कैसे आएगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये डी बी. तो अभी जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं. मैं क्या करूँ, इधर से लिखता हूँ, ये पूरा आपको समझने के लिए मिलेगा. ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, तो बी मेरा कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी बी. तो डी बी कितना है ये, तो यहाँ 1, 2, 3 इसको मैं बाहर निकालता हूँ. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को भी बाहर निकाल देता हूँ. अभी इधर कितना बच गया, डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर. तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर, टोटल कंडक्टर मिल गया मेरे को, कितना मिल गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर. ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर बायोट-सेवर्ट्स लॉ. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, नोटबुक में रटने का जरूरत नहीं है. 1, 2, 3 बार आपने करके दिखाया, मैंने तो 10 बार करके दिखाया आपको, तो आपको 2, 3 बार आपने प्रैक्टिस किया तो आप डायरेक्टली नींद में से भी उठाए आपको लिख सकते हो. बट आप बोलो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है, हाँ सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. आर कैप को भूलना मत, कैप को भूलना मत. हो गया, सो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन तो आपको अपने सेंस से निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ बी. मैंने बताया आपको, ये कंडक्टर है, ये करंट आई चल रहा है, तो मैंने बताया कौन सा रूल यूज करने का, राइट. अरे यार, ये बोर्ड के बाहर निकल गया लगता है, ठीक है मैं इधर लिख के देता हूँ.
ठीक है, इधर ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मेरा कंडक्टर करंट जा रहा है आई, तो डिरेक्शन डिरेक्शन ऑफ बी कैसे निकलोगे, बाय द यूज ऑफ राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है अपना, स्ट्रेच द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन द आउटस्ट्रेच डिरेक्शन एंड द फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट। इन दिस केस द आउटस्ट्रेच थंब डिनोट्स द डिरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स विल डिनोट द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, तो इस पूरा रीजन में ये जहाँ पे भी आप कैलकुलेट करते हो यहाँ रीजन में ये गोइंग इन रहेगा। अगर ऐसे यही सब चीज आप लेफ्ट में करने जाओगे तो आपको डी बी या बी मिलेगा कमिंग आउट। तो किसी भी कंडक्टर के लिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तो आपके लिए फाइनली आपको क्या लिखना है, एक छोटा वाला आपको रिकॉलिंग ये बनाता हूँ, ये मेरा कंडक्टर हो गया, फटाफट कर देता हूँ, ये बन गया डी एल वेक्टर, इसका डिरेक्शन यहाँ पे गया, मैंने यहाँ ऐसे लिया डिरेक्शन, ये आपका करंट आई बन गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लिया, ये मेरा आर बन गया, ये आर कैप बन गया, ये बन गया थीटा, हो गया। यहाँ पे कैसे डिरेक्शन बन जाएगा, ऐसा ये हो गया डी बी, यहाँ पे अगर ले लोगे तो यहाँ पे कमिंग आउट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। और डिरेक्शन डिरेक्शन सेंस के लिए ये लिखो, अगर ये करंट आई ऐसा है तो यहाँ पे जाएगा गोइंग इन राइट पे, और यहाँ पे आएगा कमिंग आउट, लेफ्ट पे आएगा कमिंग आउट, राइट पे लिखोगे तो गोइंग इन। ये हरदम आपको ध्यान में रखना है, कोई आपको फिर से नहीं बताएगा, बी आई एम पी बोथ ये और ये नंबर टू, ये दोनों। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बायॉट सेवर्ट्स लॉ। तो ये क्यों दिखाया आपको, तो दिखाने का पर्पज है आपको, टेंथ क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ ये आई है, तो बेटा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे हम क्या सीखते हैं, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द बायॉट सेवर्ट्स लॉ हमें क्या सिखाता है, तो बायॉट लॉ ये सिखाता है कि एज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब क्या है, बी डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस एंड बी इंक्रीजेस एज आर डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे, मतलब अभी तो फिर से मैं आपको एक ये डायग्राम करके दिखाता हूँ, ये तो आपको डायग्राम मालूम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखता है ना, ये आपने देखा होगा वो आयन फिलिंग्स वगैरह करके। तो जैसे जैसे ये हो गया R1, ये हो गया, जैसे जैसे आप इधर जाते हो एज R विल इंक्रीज देन मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ B गो ऑन डिक्रीजिंग, इम्पॉर्टेंट है। तो बायॉट सेवर्ट्स लॉ क्यों पढ़ना है, बायॉट सेवर्ट्स लॉ इसलिए पढ़ना है कि मतलब अभी आपको एकदम इजी में बता देता हूँ, इजी में क्या बता देता हूँ, अगर आपने करंट का कंडक्टर का करंट इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इफ आई इज इंक्रीज्ड बी विल आल्सो इंक्रीज। सेकंडली अगर आपने कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ विल इंक्रीज देन आल्सो बी विल इंक्रीज। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, एंगल जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा वो आगे देखेंगे, एंगल अगर आपने जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा वो आगे देखेंगे, एंगल आपने 90 कर दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, एंगल आपने 90 कर दिया तो वो भी हो जाए, वो भी आपको। और तीसरा ये क्या किया मैंने, इफ आर इज इंक्रीज बी विल डिक्रीज। तो ये तीन चीजों पे, एक्चुअली चार चीजों पे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कंडक्टर के लिए। तो मैग्नेट ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये आपके विजन के बाहर है,
जो कुछ हम देखते नहीं है ये आपको हम बोर्ड पे दिखाते हैं। रोटेशनल मोशन में आप फैन घूमता है वो देखते हैं, स्कूटर का पहिया घूमता है वो देखते हैं, दिखता है अपने को, लेकिन टॉर्क दिखता नहीं ना उसका, टॉर्क को वो निकालना पड़ता है। वैसे ही मैग्नेट को हम सेंस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होता है, जो हमने स्टार्ट किया था ओस्टाड एक्सपेरिमेंट से। ओस्टाड ने क्या बताया था, अगर आपने कंडक्टर में करंट जा रहा है आपके कंडक्टर में से, तो उसके आजू बाजू में अगल बगल में अगर आपने मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया तो नीडल डिफ्लेक्ट होता है, ज़्यादा करंट जाता है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, कम करंट जाता है तो कम डिफ्लेक्शन मिलता है, बराबर है। करंट रिवर्स करते तो डिरेक्शन भी रिवर्स होता है डिफ्लेक्शन का, वो तो है। वो एक्सप्लेन करने के लिए ये बायोट सेवर्स ने ये पूरा एक्सप्लेन किया, और ये एक्सप्लेन करके अपन को मैथमेटिकल उसका रिलेशन बताया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, पहले म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और डिरेक्शन ये कैसे भी कंडक्टर लो आप, कंडक्टर के एक बाजू में एक डिरेक्शन, दूसरी बाजू में दूसरा डिरेक्शन। डिरेक्शन कैसे निकालोगे, बाय द यूज ऑफ राइट हैंड रूल। और ये ध्यान में रखना है, आई अगर डिक्रीज किया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा कॉम्पिटेटिव में, एमसीक्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट एंड वी विल गो फॉर नाउ स्पेशल केसेस। सो वी विल गो फॉर द सेकेंड डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर, समझ गए, जाते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन करके लो, इसको पहले नोट डाउन करो, पॉज करो वीडियो, उसके बाद में आगे जाते हैं। तो अभी हम जाएंगे फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर। सर स्ट्रेट कंडक्टर में क्या आएगा, देखो बेटा, आई विल हैव अ पेपर एंड आई विल जस्ट रब दिस अ बोर्ड बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग नाइस। ओके, थोड़ा वेट करो बेटा, आपको ठीक से दिखना चाहिए ना बेटा, इसीलिए करना पड़ेगा, डस्टर को क्या चिपक जाता है। हो गया बेटा, ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, ये फाइनाइट का भी मत लिखो, स्ट्रेट कंडक्टर बोलो इसको बस, एक्चुअली असल में वो फाइनाइट ही है, लेकिन अभी इधर उसका मेंशन करने का जरूरत नहीं, उसका केस बनाएंगे बाद में, पहले तो ये तो लिख के लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैंने अभी एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ये मेरा हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पे बोलता हूँ पॉइंट ए, यहाँ पे बोलता हूँ बी, और ये मैंने सेंटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट पी कंसिडर किया। सो कैसे बोलूंगा, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर से ऑफ लेंथ एल, ओके, फाइनाइट कंडक्टर, अ पी इज अ पॉइंट एट विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है, एक मिनट, इसको फिर से निकालता हूँ। अपन को ठीक लगती है, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आपको दिखने में ना दिक्कत होनी चाहिए, मेरे को ना पढ़ाने में दिक्कत होनी चाहिए, थोड़ा लाइन में गड़बड़ है, दिख रहा है ठीक से, हाँ अभी ठीक है, सटीक एकदम। यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट पी, यहाँ पे मैंने क्या लिया था ए, यहाँ पे बी लिया, इतना तो किया आपने, मेरे साथ साथ आप भी करो। अभी आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू चूज द एलिमेंट एट अ डिस्टेंस, इसको ओ पकड़ो, ओरिजिन पकड़ो, ये इसको वाई एक्सिस पकड़ो, इसको ओरिजिन पकड़ो, ऊपर में आप जो जाओगे वो डिस्टेंस बनेगा आपका वाई, तो जो मैंने डी एल रखा था वो डी एल का मेरा मैंने उसको कन्वर्ट किया डी वाई में, और ये लेंथ एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, तो वाई डिस्टेंस पे है, तो इस डिस्टेंस को बोलो डी वाई, और ये डिस्टेंस को बोलो वाई, ये बन जाएगा मेरा वाई, और इस डिस्टेंस को बोलो आपका डी वाई, ये बन गया डी वाई, ये बन गया वाई। अभी डी वाई एकदम छोटा है, डी वाई कैसे सिलेक्ट करना है, इनफाइनाइटेसिमली
स्मॉल, मतलब उसका लेंथ ना के बराबर है, उसको लेंथ ही नहीं है, एकदम छोटा है। तो यहां से कहीं कहीं से भी आपने उसको कनेक्ट किया तो चल सकता है, बन गया आपका। वो क्या बन जाएगा बेटा आपका, डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट। इसको मैंने थीटा बोला, इसको मैंने क्या बोला, थीटा बोला, इसको मैंने फाइ बोला। तो एंगल मेड बाय द कंडक्टर, सॉरी एंगल मेड बाय द एलिमेंट एंगल मेड बाय द आर, ये आर बन जाएगा ना उसका, ये देखा था ना हमने कैसे बन गया था ना, ये आर बनते थे इसको, ये थीटा बोलते थे, तो वही कैसे ये आर बन गया, ये आपका एक्चुअली ये थीटा है, लेकिन ये मैंने नहीं लिया, इसका मैं वैल्यू अलग सा निकालूंगा और वो वैल्यू हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो देखो बेटा अभी क्या करता हूं, ए को भी जोड़ लेता हूं, ए को भी पी से जोड़ लेता हूं, आ गया ध्यान में, और बी को भी पी से जोड़ लेता हूं। हो गया, इसको बोलेंगे टोटल एंगल अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा, यहां से ऊपर और नीचे ऐसे आएगा ना, तो ये क्या कैसा आएगा बीटा, लेकिन कैसा, इसको बोलेंगे माइनस बीटा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, एंगल है ना, एक अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, अगर वो प्लस है तो मैं क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज ले रहा हूं वो प्लस है, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा माइनस आएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कितना बनेगा 90 डिग्री, ये डिस्टेंस कितना बन गया y बन गया, इसको y बनाने का, और इस डिस्टेंस को हम से मानते हैं d मानते हैं। तो क्या क्या हुआ, AB, AB क्या बन गया मेरा स्ट्रेट कंडक्टर, dy एलिमेंट एट डिस्टेंस कितना वाई फ्रॉम द सेंटर, बाद में ये फाइ क्या बन गया, फाइ, फाइ एंगल मेड बाय आर विथ ओपी, ये लिखने का जरूरत नहीं आपको, ये आप समझ लेते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे को भी क्या करना है, फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट सम कैलकुलेशंस, तो मैं कैलकुलेट करके लेता हूँ, नहीं तो हम क्या करते हैं पहले ये आपका जो वैल्यू है वो करके लेते हैं। सो अप्लाइंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, आप लिख रहे हो ना मेरे साथ, लिखते जाओ मेरे साथ, नहीं तो पॉज करो और लिखते जाओ, वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइंग बायोट, एक मिनट ना, वी वी आई एम पी, कितना स्टार लिख रहे हो, बहुत सारे स्टार निकाल सकता हूँ इसको, बायोट सेवर्ट्स लॉ, अप्लाइंग बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या हो जाएगा आपका, आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर। तो बेटा अपनी केस में डीएल नहीं है, डीएल बन गया डी वाई, तो अपनी केस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन, कहां से कहा गया, मैं मेरे को यहां से यहां जाना है, ओके, तो बाद में लिखेंगे वो, डीएल की जगह मैं क्या लिखूंगा डी वाई, ओके बन गया, क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, बन गया। अभी इसी को मैं बोल देता हूं मी नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन, अभी आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है, वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो डीवाई क्रॉस आर कैप, डीवाई क्रॉस आर कैप कैसे लिखता हूं मैं, dy cross r cap is equal to magnitude of dy into magnitude of r cap,
into sine of the angle between them. तो अभी sine angle कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा angle. तो ये angle निकालना पड़ेगा अभी. ये angle कैसे निकालेंगे? इस triangle में theta is equal to 90 minus 5. और ये angle कितना बनेगा? हाँ, तो इधर दिखाता हूँ आपको. कहाँ पे दिखाऊँ? कहाँ पे? यहाँ पे दिखाता हूँ. Theta is equal to 90 minus 5. ये देखो, theta will be 90 minus 5. और ये जो angle है, इसको मैं x बोलता हूँ. X will be 180 minus theta. तो 180 minus 90 minus 5. तो ये कितना बन जाएगा? 180 minus 90 minus minus plus 5. ये बन जाएगा 90. तो ये बन गया 90 plus 5. तो मेरा angle कितना बन गया ये? 90 plus 5. तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस 5. तो मैं क्या इसके चलते क्या मैं इसको रिप्लेस करता कर सकता हूँ? डिवाइड आर का मैग्नीट्यूड 1 होगा साइन 90 प्लस 5. साइन ए प्लस माइनस बी क्या आता है? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. अभी ए कितना है आपका? 90. साइन 90 कॉस 5 प्लस माइनस कॉस 90 साइन 5. नहीं, ये तो लिख के लो अपने पास. साइन 90 आएगा 1, कॉस 5 ये 1 आ गया, 1 इंटू कॉस 5 प्लस माइनस, ये तो कॉस 90 0 आ गया. तो ये आपका आ गया डी वाई कॉस 5. तो बेटा हाँ, बाद में कुछ कंप्लेंट नहीं सुनूंगा मैं, ये सर ने नहीं बताया, वो सर ने नहीं बताया. अगर आपको नहीं समझा है तो अभी के अभी, आज कल परसों कभी के कभी आपको ये डाउट पूछना होगा अगर आपको नहीं समझा है तो. समझ गए? यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया, ये ट्रायंगल लिया है मैंने और इसका वैल्यू ऐसे आता है. तो क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ? तो आपके लिए मैंने ऐसे ही रखा है, जिनको लिखना है वो लिख सकते. सिंपल है बेटा, साइन ए प्लस बी वो फॉर्मूला क्या है? साइन 90 प्लस 5 वो बन जाता है कॉस 5. तो आपने 11 में सीख लिया. ओके, क्या मैं इसको हटाऊँ? पॉज कर लो, लिख ले लो, मैं अभी अभी के लिए इसको हटा देता हूँ. ओके, तो बेटा dy क्रॉस r की जगह मैं क्या लिखूंगा? जस्ट dy cos 5 अपॉन r स्क्वायर. आई होप यू आर गेटिंग द डाउन साइड फ्रॉम द बोर्ड. ओके, इसी को अभी हम आगे लेके जाते हैं. मेरे को क्या करना है? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट dy एंड r. And if I'll put this value of dy and r in that, I can solve that. Okay, तो कैसे करते? तो ये triangle consider करो. ये element का length है, उसको neglect करो, ज़्यादा नहीं है वो. dy का dy एकदम simple है, infinitesimally small है. उसका भी आधा, तो मतलब neglect करेंगे. इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे d, इसको बोलेंगे r. ये बन गया मेरा theta, ये बन गया 90, ये बन गया 5. तो मेरा y किसना कितना बनेगा बेटा? इधर लिख देता हूँ मैं. ये बन गया, एक हो गया मेरा y. कितना बनेगा y? y कितना बनेगा? y by d will be tan phi. tan phi will be y by d. तो मेरा y कितना बन जाएगा? d tan phi. बेटा एकदम ध्यान से देखो, यहां तक आपको समझ में आया है? उतार लो नोटबुक में, बाद में सब रब करने वालों में. y कितना बन गया? y बन गया d tan phi. तो मेरा dy कितना बन जाएगा? मैंने आपको सिखाया था d तो कांस्टेंट है, ये d और ये dy इसका कुछ मीनिंग नहीं है, d अलग है, ये डिस्टेंस है. d tan का डेरिवेटिव क्या? sec स्क्वायर phi, और phi का डेरिवेटिव d phi. इंपॉर्टेंट लिख के लो, पहला इंपॉर्टेंट ये imp. तो मैं इंपॉर्टेंट स्टेप को आपको दिखाते जा रहा हूँ. दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी आपको डालना होगा. r कैसे करेंगे? आर डी के ड्रम में करो इसको, इधर भी डी है ना, तो इधर ऊपर डी आएगा. इसको डी के ड्रम में करो, कॉस फाइ करो. कॉस फाइ इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. सो आर कितना मिल जाएगा? डी बाय कॉस फाइ. तो वन बाय कॉस कितना आता है? सेक. तो डी सेक फाइ आएगा. कितना बन गया? डी सेक फाइ. इसको बोलो इंपॉर्टेंट. इसको बना लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि जगह भी कम है. ये मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ये सब, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये मैंने कहाँ से लिया है, ये कैसे आया, ये बताएगा ये.
ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ गए बेटा। तो अभी इसी को हम आगे लेके जाते हैं, इधर लिख देते हैं। तो बी कैसे बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, डी वाई कितना है आपका, डी वाई को लिख दिया मैंने डी sec square phi d phi into dy हो गया cos phi upon r square, मतलब इसका square d square sec square phi, d ने d को काटा, यहाँ पे d बच गया, sec square phi चला गया, मेरे को directly last में क्या मिल गया, यहाँ पे लिख के देता हूँ और वहां पे हो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट टाइम मुझे क्या मिल गया, ठीक है यहाँ पे करता हूँ। ओके, अब ये डायग्राम आपको हो गया है, डायग्राम को हटाता नहीं मैं, यहाँ से ये बाकी को हटाता हूँ। तो आपको बेटा क्या मिल गया, आपको मिल गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन cos phi d phi। तो अभी आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसकी टर्म में आ गया, वो आ गया phi की टर्म में, बराबर। तो उसको लिमिट देने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव द लिमिट, मैं कहां से कहां जाऊंगा, ये phi जो है ये कैसे घूमने वाला है, एक तो ये माइनस बीटा तक आएगा और माइनस बीटा से, क्योंकि ये माइनस मतलब नीचे ना, ये यहां से मैंने phi पकड़ा है तो नीचे माइनस बीटा, ऊपर प्लस अल्फा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, फाइ कितना बन गया मेरा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक इसको मैंने बना दिया, तो इसका यूनिट ये कैसे आएगा, माइनस बीटा टू अल्फा आ गया, ये बन गया इसका लिमिट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये आपने लिख लिया है, अगर लिख लिया है तो मैं इसको आगे हटा देता हूँ, ये लिख के लो, पॉज करो वीडियो और लिख के लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इसको हटाने वाला हूं। तो अभी मेरा बी क्या बन गया, व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ बी, तो बी बन गया मेरा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये बन गया साइन फाइ, उसको मैं कहां से कहां लेके जाऊंगा, माइनस बीटा से अल्फा तक। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया, इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। तो कितना बन गया, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा is minus sin theta and minus minus plus, so sin alpha plus sin beta, ये मेरे को मिल गया formula। तो this is, और एक एक मिनट ना, एक चीज मैंने इधर लिखा नहीं है, वो d बच गया था मेरा, sec square d square sec square पाया था ना, तो इधर d बच गया, d भी आएगा इधर, वो मतलब upon d है, तो d का इससे कुछ वास्ता नहीं, इसको इधर लेते हैं, यहाँ पे भी d आएगा, हाँ वो d को लिख के लो, समझ गए ना कौन सा, वो d square sec square था, phi था नीचे, अभी वीडियो को रिवाइंड करके देखो, वहां पे जो d square था, तो एक d ने d square को काटा था, एक d बच गया था, छोड़ा नहीं उसको, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ले लेंगे, ये आपको फॉर्मूला है, मतलब दिस इज VVIMP, इसको क्या बोलते हैं, ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। इसको नोट कर दे, नोट डाउन करो, तो मुझे क्या मिल गया, अगर मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हो गया, इसको छाप लो नोटबुक में डायरेक्टली, जैसे है वैसे अपने नोटबुक में उतार लो इसको, हाँ पॉज द वीडियो एंड डू इट। ओके,
तो मेरा जनरल इक्वेशन बन गया वी नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बन गया। अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम के लिए केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद एक का दुक्का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ये नहीं है, आपको कर सकते हैं वो, तो मैंने आपको जनरल। अभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें मजा आया। नोट वन क्या है, पहले वाला आपका जनरल, जनरल एक्सप्रेशन क्या हुआ, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैसे स्ट्रेट कंडक्टर। अभी ही हमने वो उसको डिराइव किया है, एक दो मिनट में कर लेता हूँ, अभी बाकी करने का जरूरत नहीं है। इसको बनाओ डी, इसको बनाओ अल्फा, इसको बनाओ बीटा, अभी माइनस वगैरह लेने का जरूरत नहीं, हमने सबको बनाया है। बन गया आपका ये पॉइंट पी, बन गया, और ये करंट आई। बेटा करंट आई का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, बी आपका ऐसे आएगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, कैसे लिखोगे, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, अभी बताया, वी नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, यहाँ पे आपके डिफरेंट केसेस आते हैं। तो केस वन, केस वन क्या आता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनाइट कंडक्टर। क्या बोलते हैं, फाइनाइट। इस केस को बोलने का फाइनाइट मतलब फाइनाइट लेंथ। दूसरा है इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर, नहीं तो इनफाइनाइट लेंथ, ओके इसको ही बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेमीकंडक्टर। तो ये भी क्या करेंगे, ये ए और बी लिखेंगे नहीं, ये डी ऐसे लिखेंगे और इसको डॉट 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 बनाएंगे। तो बेटा अभी ये जो अल्फा है यहां से वो इनफाइनाइट मतलब उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, कितना जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो जैसे कि अल्फा मेरा बन जाएगा 90, बीटा भी बन जाएगा 90। अल्फा बन गया 90, बीटा बन गया 90, समझ गया बेटा। इसको ऐसे 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 आगे कर दिया ना मैं, ये आगे गया तो ये बढ़ जाएगा, आगे गया बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे को मालूम है, लेकिन हमने इसको ऐसा बढ़ाते बढ़ाते इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, वो पैरेलल ही हो जाएगा इसको। पैरेलल है मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा, इधर से या हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री होगा, तो अल्फा इतना बढ़ेगा कि वो 90 होगा। तो साइन अल्फा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, साइन बीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपका बी कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू 1 प्लस 1, देयरफॉर बी कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई इनटू 2 अपॉन 4 पाई डी। अभी इतना ये कितना बन जाएगा, सो मेरा बी बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, हो गया। नहीं तो और इसको लिखूंगा मैं 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से एक लिख सकते हो। ये बन गया केस इनफाइनाइट का, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, इसको 5-star बनाओ, 100% कम्स फॉर प्रॉब्लम्स। बन गया बेटा, अभी हम नेक्स्ट केस लेते हैं, केस टू। केस टू को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक बाजू से फाइनाइट, दूसरी बाजू से इनफाइनाइट। तो ये तो डी बन गया, ये मेरा ए बन गया, ये बी बन गया, और यहां से इनफाइनाइट, तो ये तो एंगल बन गया, ये अल्फा बन गया, और ये बीटा बन गया 90 डिग्री, है ना बेटा, बीटा बन गया 90 डिग्री, ओके।
समझ गए? ओके, तो यहाँ पे केस में क्या आएगा, साइन बीटा वन आएगा, तो आपका बी डायरेक्टली निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा, वैसे ही रहेगा साइन अल्फा प्लस 1 और 1 प्लस साइन अल्फा, बन गया ये और एक केस बन गया। इसी में ही अगर आपको ऐसे देते हैं, अभी फटाफट बनाते हैं, केस बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में बन जाएगा बेटा, केस तो 2 मिनट में बनता है, कैसे बनेगा? दूसरा, सेमी इन्फाइनेट में ही, सेमी इन्फाइनेट में ही ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे? देखो, अभी मैंने बी को फाइनाइट रखा और ए को इन्फाइनाइट किया और मैंने केस दिया, तो मेरा बीटा बन जाएगा नॉट इक्वल टू 90, अल्फा बन जाएगा 90 डिग्री, तो वहाँ पे साइन 91, तो ये आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन बीटा, है ना बेटा? हो गया केस 3। केस 3 कैसा चलेगा? केस 3 में मैंने क्या किया, फाइनाइट लिया। केस 3 क्या है? फाइनाइट में और एक केस आता है, कैसे? मैंने ए को एक बाजू को लिया, कंडक्टर की ए को एक साइड पे लिया और बी को नीचे रखा, तो ये बीटा बन गया, अल्फा कितना बनेगा? 0 बन गया, क्योंकि ये जो डी था, डी को मैंने शिफ्ट किया यहाँ से, सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ये अभी ये पॉइंट पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो डी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अल्फा कितना बन गया? अभी 0 बन गया, अल्फा 0 बन गया, बीटा तो उतना ही बन गया, साइन 0 आता है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 0 प्लस साइन बीटा, इसका मतलब कितना आएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन बीटा, समझ गए? और एक केस उल्टा बन जाएगा, कौन सा उल्टा बन जाएगा केस? इसको मैं नीचे से किया तो क्या हो जाएगा वो भी देख सकते हैं हम, नीचे से किया तो क्या होता है वो भी देख सकते हैं हम, नीचे से मैंने अगर किया तो यहाँ पे डी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा अल्फा तो बन जाएगा, बीटा कितना बन जाएगा? 0, ये डी हो जाएगा, तो बी कितना बन जाएगा मेरा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस 0, तो बी मेरा कितना बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा। ऐसी अगर ये लेक्चर आपने ठीक से देखा है तो मेरे को नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो कि यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग द प्रॉब्लम्स। सो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज एनी प्रॉब्लम इज नॉट अनडिस्कस्ड, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। सो आई होप यू ऑल हैव लिसन द लेक्चर केयरफुली, उसका नोट बनाओ, और ये जो सब केस आपको दिया है वो केस इक्का दुक्का करके अपने नोटबुक में बना के इसका प्रॉब्लम के लिए आप प्रैक्टिस करो। कल के लिए मैं आपको प्रॉब्लम का शीट देता हूँ। सो फॉर आई थिंक दैट दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगेन वॉच द लेक्चर, अपना नोट्स बनाओ, एनी डाउट इज देयर देन यू मे आस्क मी एट द डाउट सेशन। तो डाउट सेशन के लिए क्या करना है आपको, मैंने बोला है सबने अपने अपने डाउट मेरे को पर्सनली भेजो, मैं उसका एक बैकअप रखूंगा, और डाउट सेशन आपका फ्राइडे को है, फ्राइडे को मैं आपका डाउट सेशन क्लियर करूंगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, टुडे वी शैल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।